आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 13, एक्सरसाइज 13.6 और उससे पहले की थ्योरी। तो इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया था कि वो सिलेंडर जो है एक यूनिफॉर्म फिगर है। यूनिफॉर्म फिगर का क्या मतलब था कि आप एक सर्कल के ऊपर दूसरे सर्कल रखोगे, उसके ऊपर तीसरा सर्कल रखोगे और इस तरीके से अगर सर्कल रखते जाओगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर। और मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म फिगर की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू उसकी हाइट। याद रहा ये सिर्फ यूनिफॉर्म फिगर के लिए। तो अगर अपन सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर का फिगर कुछ इस तरीके से होता है जिसमें टॉप और बॉटम सर्कुलर रहता है और बीच में अपना कर्व्ड सरफेस रहता है। तो इसका बेस एरिया जो है वो ये वाला हो जाएगा, और अगर ये सर्कल है तो बेस एरिया जो है वो कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो अगर अपन इस सिलेंडर की रेडियस को आर बोलते हैं और इसकी हाइट को एच बोलते हैं तो बेस एरिया कितना हुआ, बेस एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर एंड हाइट विल बी एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि अपन इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसके एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल 13 की बात करते हैं। एग्जांपल 13 में वो अपन को बोल रहा है कि एक टेम्पल है, उसके अंदर पिलर्स हैं और जो पिलर है वो सिलेंड्रिकल शेप में। तो सिलेंडर की जो रेडियस है वो अपन को दी 20 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 10 मीटर। तो पूछ रहा है कि कितनी कॉन्क्रीट लगेगी ऐसे 14 पिलर बनाने के लिए। तो अपन एक पिलर की वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, और अगर एक पिलर की वॉल्यूम फाइंड कर ली तो उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वॉल्यूम अगर आ गई है तो उतनी वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट हमको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब इसमें एक चीज़ देखने लायक ये है कि रेडियस आपको दी है सेंटीमीटर में और हाइट दी है मीटर में। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी यूनिट की गड़बड़ हो तो आपको यूनिट सबकी सेम लानी है, उसी तरीके से अपना आंसर आ पाएगा। तो इसीलिए उसने देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में हाइट जो है, हाइट ऑफ सिलेंडर को 10 मीटर से 1000 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि अब यूनिट सेम हो जाएंगी। अब कुछ नहीं है, अभी अपन ने पढ़ाई था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, वो उसने यहाँ पे इस्तेमाल करा है। और आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर ये दे रखी है, और एच अपन ने 1000 सेंटीमीटर यहाँ पे निकाल लिया है। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करके सॉल्व करके ये अपना आंसर आ गया, और ये एक पिलर की वॉल्यूम है तो क्या बोलते हैं इसको, उसने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन में उसने अपन से यहाँ से 14 की पूछी थी। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया है। इस तरीके से एग्जांपल नंबर 13 हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 14 की तरफ। तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 14 की। एग्जांपल नंबर 14 में वो बोल रहा है कि एक मेले में दुकान लगी है जिसमें कि एक दुकान वाला जूस बेच रहा है। अब उसने बोला है कि ये जो जूस बेच रहा है इसने ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ये भी एक सिलेंडर बोला है, और ये छोटे छोटे जो ग्लासेस दिख रहे हैं वो भी एक सिलेंडर माने गए हैं। तो बोल रहा है कि ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर ये यहाँ पे दे रखी है, और उसकी हाइट कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट अपन को इसकी रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो इसकी आर हो गई, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, अपने पास हाइट हो गई। अब वो बोल रहा है कि इन्हीं ग्लासेस को उसने इसी जूस को उसने छोटे छोटे ग्लासेस में डिवाइड करके बांट दिया, और हर गिलास के 15 रुपये चार्ज करें, और छोटे गिलास जो है उनकी रेडियस कितनी है, तो इसकी इस छोटे गिलास की अगर बात की जाए तो इसकी रेडियस उसने दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है कि इस तरीके से टोटल कितने रुपये वो कमा सकता है। तो अब बात ये आती है कि सबसे पहले तो हमको पता करना पड़ेगा कि उस पर टोटल कितना जूस है। तो वो अपन कैसे पता करेंगे, बड़े वाले सिलेंडर की वॉल्यूम से। तो बड़े वाले सिलेंडर की जब वॉल्यूम निकाल लेंगे तो उससे पता पड़ जाएगा कि कितना उस पर जूस था टोटल। तो यहाँ पे उसने देखो बड़े वाले सिलेंडर के लिए कैपिटल आर ले रखा है रेडियस के लिए, और कैपिटल एच ले रखा है उसकी हाइट के लिए, क्योंकि वो बड़ा वाला है इसीलिए उसको आर और कैपिटल एच नाम दे दिया। तो उससे उसकी वॉल्यूम कितनी आ गई, उसने वॉल्यूम का फॉर्मूला फाइंड कर लिया, और वॉल्यूम उसकी आ जाएगी R की वैल्यू 15 डाल के और H की वैल्यू 32 पुट करके उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। इसी तरीके से उसने छोटे वाले जो ग्लासेस हैं उनकी वॉल्यूम फाइंड कर ली, क्योंकि स्मॉल R की वैल्यू 3 दे रखी है
छोटे वाले की रेडियस और छोटे वाले की हाइट कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इस तरीके से उसने दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, और वो दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड करने के बाद टोटल जो ग्लासेस हैं, टोटल ग्लासेस ऑफ जूस आ जाएंगे। अगर आप छोटे ग्लास बड़े वेसल को छोटे ग्लास की वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो टोटल ग्लास कितना आएगा, 100। और अगर एक ग्लास की कीमत 15 रुपये है तो टोटल वो 1500 रुपये कमा लेगा। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें भी बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज किया गया है। अब वो अलग अलग तरीके से अलग अलग सवाल में इस्तेमाल होगा। तो अपन देखते हैं एक्सरसाइज 13.6 इसमें किस तरीके के सवाल दिए गए। इसमें सबसे पहला सवाल है, एक सिलेंडर की सरकमफ्रेंस दे रखी है अपन को बेस की, जो कि कितनी है, 132 सेंटीमीटर, और वो बोल रहा है उसकी हाइट कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना अपन को कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, यानी कि सीधे सीधे उसकी वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो फर्स्ट वाले में हमको क्या बताना है कि उसकी वॉल्यूम कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको सरकमफ्रेंस दे रखी है, सरकमफ्रेंस होती कितनी है। तो याद करो सिलेंडर का जो बेस होता है वो किस शेप में होता है, सर्कल, सर्कल के शेप में। और सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। तो हमको ये जो हमारा सिलेंडर है इस तरीके का, इसकी हमको सरकमफ्रेंस दे रखी है, इसकी अगर अपन रेडियस को आर मान लें और हाइट को एच मान लें, तो हमको 2πr की वैल्यू गिवन है, जो कि कितनी है, 132 सेंटीमीटर। और हमको एच गिवन है, जो कि कितना है, 25 सेंटीमीटर। और हमको वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन रेडियस फाइंड करेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी, 2 × 22/7 × r। ये 2πr में हमने आर निकाल लेंगे, यहाँ से 132 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 और 6, यहाँ से ये कितना कटेगा, 3 टाइम्स। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना आ गया, 3 × 7, क्योंकि ये 7 डिवाइड में, तो राइट में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। ये अपना आर आ गया। अब एक बार आर आ गया तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि कितना होता है, πr² h। वो कितना हो जाएगा अपना, वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7 × r की वैल्यू 21, r का स्क्वायर है इसलिए 2 बार 21, और h की वैल्यू कितनी है, 25। और ये जो वॉल्यूम है किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 22 × 3 × 21 × 25। और ये अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, लीटर्स में आंसर बताना है, इसीलिए हम इसको लीटर्स में बताएंगे। तो किसका डिवाइड कर देंगे, 1000 का, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या बता रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर 1 लीटर के बराबर है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 34650 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आंसर किस में आ जाएगा, लीटर्स में आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 34.65 लीटर्स। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमको बोल रहा है कि इनर डायमीटर जो है एक सिलिंड्रिकल पाइप का वो है 24 सेंटीमीटर का, और आउटर डायमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर का है। लेंथ ऑफ पाइप दे रखी है 35 सेंटीमीटर, और वो पूछ रहा है कि मास ऑफ द पाइप बताओ अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड जो है 0.6 ग्राम की होती है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि इसका फिगर कैसा है। तो इस क्वेश्चन में अपन को ये हाइट दी गई है। अब ये जो सिलेंडर है अगर इसको अपन देखेंगे तो ये अपन को ऊपर से ऐसा दिखेगा, क्योंकि इसमें कुछ थिकनेस है, ठीक है। तो ये जो हाइट है वो अपन को कितनी दे रखी है, 35 सेंटीमीटर, और इसमें कुछ थिकनेस भी दे रखी है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, यानी कि ये जो है वो इनर वाला होगा और ये जो बाहर तक जा रहा है वो क्या होगा, आउटर वाला। पर ये रेडियस है, उसने डायमीटर दे रखी है, इसलिए हम दोनों को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अपनी रेडियस कितनी आ जाएगी, इनर रेडियस कितनी आ जाएगी, 24 का आधा यानी कि 12 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी, 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर, ये आ गई यहां से लेके यहां तक की, बाहर तक की। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। तो ये यूनिफॉर्म फिगर है, मैंने आपको बताया था, बेस एरिया इनटू हाइट से निकाल लेंगे। अब बेस एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाला सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे अगर, तो अपने पास क्या बनेगा, ये जो बाहर वाला एरिया अपन को दिख रहा है, मैं शेड करके बता देता हूँ, अगर अपन बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये जो रिंग का जो एरिया दिख रहा है, ये जो रिंग है, इसका पूरे का एरिया अपने पास आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा, तो वो अपने पास क्या काम करेगा, बेस एरिया इंटू हाइट का काम कर देगा। तो बेस एरिया कितना आ जाएगा, बेस एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग कैसे आएगा, बड़े वाले सर्कल में से जो कि पाई आर स्क्वायर होगा, उसमें से छोटे वाले सर्कल की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो पाई को कॉमन ले लेते हो, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 14 का स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस है 14 की, माइनस 12 का स्क्वायर। तो इसमें अपन आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 14 माइनस 12 इंटू 14 प्लस 12। आइडेंटिटी आपको मालूम पड़ गई होगी, ए माइनस बी ए प्लस बी वाली लगी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो दिस विल बी 2 × 26। तो यहाँ से कितना आ गया, 52 पाई अपने पास क्या आ चुका है, बेस एरिया। अब इसको हाइट से इंटू कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट, तो 52 पाई, और हाइट कितनी अपने पास 35। अब इसमें अपन पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 52 इंटू 22/7 इंटू 35, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 52 इंटू 22 इंटू 5, विच इज इक्वल टू 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गई वॉल्यूम, पर उसने हमसे वॉल्यूम नहीं पूछी, उसने हमसे पूछा है कि उसका मास बताओ। तो उसकी वॉल्यूम आ चुकी है, अब वो बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड में 0.6 ग्राम वेट होता है। तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो दोनों तरफ 5720 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, दिस इज इक्वल टू 0.6 × 5720 ग्राम, इतना वेट आ जाएगा। और इसको जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 3432 ग्राम। तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया। और इसको चाहो आप तो किलोग्राम में डिवाइड बाय 1000 करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो कितना आ जाएगा, 3.432 किलोग्राम। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोल रहा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि अलग अलग पैकिंग में आती है। एक तो आती है रेक्टेंगुलर बेस और यानी कि क्यूबॉइड वाले के साथ, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमको गिवन है। और दूसरी बार बोल रहा है कि सिलेंडर के शेप में आती है जिसका बेस डायमीटर दे रखा है। तो याद रहे ये डायमीटर है, इसको आप रेडियस में कंफ्यूज मत कर लेना। और इसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि किसकी ग्रेटर कैपेसिटी है, यानी कि बेसिकली हमको दोनों की क्या फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पैकिंग की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी। तो देखो इसका एल दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो 5 × 4 × 15 से इसकी क्या निकल जाएगी, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैंने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ाया था कितनी होती है, एल इंटू बी इंटू एच। तो 5 × 4 = 20 एंड 20 × 15 कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पैकिंग। तो वो कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच से आ जाएगी वो। तो पाई आर स्क्वायर एच में पाई तो 22/7 है, आर की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, डायमीटर 7 है, तो आर को हम रख देंगे 7/2, और उसका स्क्वायर है इसलिए दो बार लिख देंगे, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। और एच की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 10, और ये किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में अपना आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो चुका है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11, और ये कट जाएगा 2 से 5 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 7 = 35,
और 11 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको दिख ही रहा होगा किसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई। तो जी सीधे सीधे दिख रहा है कि सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा आई है किससे, क्यूबॉइडल पैकिंग से, और बाय हाउ मच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मोर देन क्यूबॉइडल पैकिंग बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया हमको दे रखा है सिलेंडर का, जो कि कितना है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस एरिया से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि लेटरल सरफेस किसको बोलते हैं, जो एरिया स्टैंडिंग हो, और सिलेंडर में जो स्टैंडिंग एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसीलिए लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर। तो यानी कि हमको कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है कि उसके रेडियस ऑफ इट्स बेस बताओ और वॉल्यूम बताओ। तो ठीक है, सबसे पहले उसकी रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, हमको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है जो कि कितना है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है। तो अगर आपने मेरी पहले की सारी वीडियोस देखे तो आपको मालूम होगा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, विच इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमको गिवन है। और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है इस वाले क्वेश्चन में। तो हमको सबसे पहले रेडियस फाइंड करनी है, अगर रेडियस आ गई तो अपन फिर उसकी वॉल्यूम बता सकते हैं। तो रेडियस कैसे आ जाएगी, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पुट कर देंगे और 94.2 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो आर कितना आ जाएगा, आर विल बी 94.2, और ये 2 और 5 मिलकर 10 हो जाएंगे। तो और ये सब डिवाइड में आने वाला है, जो ये जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो इंटू 7 ऊपर जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 5। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके कितनी वैल्यू आ जाएगी, दिस वैल्यू विल बी 3 सेंटीमीटर। तो एक बार अगर अपने पास आर आ गया तो अपन उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू आर यानी कि 3 इंटू 3 और इंटू एच कितना है, 5। बट उसने हमको यहाँ पे क्या बोला है कि पाई की जगह कितना लेना है, 3.14। तो हम ये वाला पाई नहीं लेंगे, इसकी जगह क्या ले लेंगे, 3.14। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जिसको कि इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने में 2200 रुपये लगते हैं, यानी कि 2200 रुपये लगते हैं, एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो वो पूछ रहा है कि अगर उसकी सिलेंडर की जो हाइट है वो हमको गिवन है कितनी है, 10 मीटर डीप हाइट या फिर डेप्थ एक ही बात हो जाती है, तो कितनी बोल रहा है, 10 मीटर डीप बोल रहा है। तो पूछ रहा है कि इनर कर्व सरफेस एरिया बताओ, रेडियस बताओ, कैपेसिटी बताओ, सब कुछ बताओ। तो सब कुछ बताने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, जो गिवन है उससे अपन को आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट द इनर कर्व सरफेस एरिया बी एक्स। तो हमने क्या मान लिया, फिफ्थ क्वेश्चन में, लेट इनर सी एस ए बी बी एक्स मीटर स्क्वायर, कितना मान लिया अपन ने, एक्स मीटर स्क्वायर मान लिया। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के कितने रुपए लग रहे हैं, 20 रुपए लग रहे हैं, तो एक्स मीटर स्क्वायर को पेंट करने के कितने लगेंगे, तो बोथ साइड एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 20x रुपीस लगेंगे। अब ये जो 20x रुपीस है वो हमें मालूम है किसके बराबर है, क्वेश्चन में क्या बने, 2200 के बराबर है। तो 20x शुड बी इक्वल टू 2200 रुपीस। तो जीरो से जीरो कट गया
और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 110 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्या है अपना एरिया। तो एक बार अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई तो वो एरिया आ गया और हमको मालूम है। तो ये तो अपना पहला पार्ट हो गया, ये हमको, अब हमको पूछ रहा है रेडियस बताओ। तो हमको मालूम है कि कर्व सरफेस एरिया का ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है अपने पास 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर यानी कि 22/7 इंटू आर, जो कि हमको फाइंड करना है। तो आर की जगह पर आर ही रख देंगे और एच हमको कितना दे रखा है, एच दे रखा है 10 मीटर। दिस शुड बी इक्वल टू, ये क्या है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और वो कितना रखा है 110। तो 0 से 0 कट गया क्योंकि डिवाइड में जाएगा उधर, और 11 से 22 कट जाएगा 2 टाइम्स। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 2 4, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में जाएगा, और ये डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/4 मीटर। ठीक है, ये अपना सेकेंड पार्ट हो गया, और इसको अगर आप पॉइंट में लिखना चाहोगे तो वो कितना हो जाएगा 1.75 मीटर। तो ये अपना सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। तो इस तरीके से अब अपन बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो पूछ रहा है कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच से निकल जाएगी। तो वो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/4 इंटू 7/4, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। और एच की वैल्यू कितनी है अपन अपन के पास, एच की वैल्यू 10। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, और ये कितना कट जाएगा 4 से 2 टाइम्स, और ये 11। तो आंसर कितना आ जाएगा 770/8, विच इज इक्वल टू 96.25 मीटर क्यूब। पर वो वेसल की बात कर रहा है, यानी कि वेसल क्या होता है, एक बर्तन। तो इसलिए अपन जो आंसर है, वैसे 96.25 मीटर क्यूब भी ठीक है, बट अपन लीटर में बताना चाहेंगे। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, इसीलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 96.25 मल्टीप्लाइड बाय 1000 लीटर्स। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, द आंसर विल बी 96250 लीटर्स। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमको बोल रहा है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर की है, और उसकी कैपेसिटी हमको दे रखी है, कैपेसिटी इज कितनी है 15.4 लीटर्स। तो पूछ रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, यानी कि कर्व सरफेस, यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ये हमको समझ में आ गया, क्योंकि वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट। तो स्क्वायर मीटर किसकी बात होती है, एरिया की, यानी कि इतना बड़ा सिलेंडर जो है उसको बनाने के लिए कितनी मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैपेसिटी दे रखी है, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि कैपेसिटी लीटर्स में दे रखी है और हाइट जो है वो मीटर में। तो हमको इसमें यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो हाइट कितनी दे रखी है 1 मीटर, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है 15.4 लीटर्स। अब इसको अपन को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब ये वॉल्यूम में फॉर्मूला लगा के अपन हाइट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आप पहले ही हाइट की वैल्यू 1 पुट कर देते और वॉल्यूम लीटर में लेते तो आपका आंसर गलत हो जाता। तो इसीलिए आपको यूनिट का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितनी होती है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की बात कर रहा है। तो आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी शायद, हाँ आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जिससे कि फिर अपन उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो 1 रख दिया, और 15.4 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 15.4 को मैं 154/10 लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा के, ये भी पॉइंट हटा दिया, और नीचे कितना आ गया 1/10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 0 आ गया, और ये 22/7 है तो 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे जाएगा। तो 22 11 2 जा 22, और 11 1 जा 11, और 11 4 जा, हाँ। तो आर स्क्वायर से ये कितना आ गया, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा
अपने पास आएगा, अभी ये 2 से 7 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 × 7, और नीचे वाले को अपन लिख सकते हैं 100 × 100, आर स्क्वायर है ये। तो आर कितना हो जाएगा, तो आर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, पूरे का रूट। तो आपको दिख रहा होगा कि रूट के अंदर दो फैक्टर होते हैं, तो एक 12 आ जाता है, तो इधर से कितना आएगा 7/100, तो ये कितना हो गया 0.07 मीटर। तो ये अपने पास क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या चाहिए इसका, उसने पूछा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड, तो इसका अपन को चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता था, TSA ऑफ सिलेंडर होता था 2 पाई आर, आर प्लस एच। और अब अपने पास आर की वैल्यू भी और एच की वैल्यू भी है, तो हम उसको पुट कर देते हैं, तो वो कितना आ जाएगा 2 × 22/7। आर अभी अभी हमने निकाला 0.07, और एच निकाला, एच तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, +1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 22/7 × 0.07 × 1.07। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.4708 m³। तो ये अपना, तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमको बोला है कि एक पेंसिल है जिसके अंदर एक ग्रेफाइट की लीड है। तो जो ग्रेफाइट की लीड है वो आप देख सकते हो इस तरीके से, पेंसिल के अंदर एक ग्रेफाइट की लीड होगी, आप सबने पेंसिल देखी होगी। तो वो बोल रहा है कि ये जो ग्रेफाइट की लीड है उसकी डायमीटर कितनी है, 1 मिलीमीटर है, और जो पेंसिल है उसकी डायमीटर कितनी है, 7 मिलीमीटर है। तो यानी कि ये वाली जो रेडियस दी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो कितनी की दी है, 7 मिलीमीटर की। और ये जो छोटा सा ग्रेफाइट का पॉइंट होगा जो कि आपको दिख रहा है, वो भी किसमें होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा, तो उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, छोटे से की उसकी रेडियस दे रखी है 1 मिलीमीटर। तो इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि इस तरीके से एक पेंसिल है, और वो बोल रहा है हाइट ऑफ द पेंसिल यानी कि कितनी है वो, 14 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, इसकी टोटल हाइट दे रखी है। तो वो पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो पूछ रहा है कि ग्रेफाइट वाले की पार्ट की वॉल्यूम बताओ और वुड वाले की बताओ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वुड ग्रेफाइट वाले की निकाल लेते हैं। तो ग्रेफाइट वाले की क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट वो कितनी हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर एच से निकलेगी, तो 22/7 × r कितना है, तो डायमीटर 1 मिलीमीटर दे रखा है, तो r तो कितना हो जाएगा, 1/2 मिलीमीटर, 1/2 मिलीमीटर। इंटू एच कितना है, 14 सेंटीमीटर, पर हम एच को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 14 सेंटीमीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 140 मिलीमीटर, क्योंकि ये जो है वो मिलीमीटर में दे रखे हैं दोनों की दोनों। तो हमको हाइट को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे कि अपनी यूनिट की गड़बड़ ना हो जाए। तो ये हो गया 140, और क्योंकि अब सब कुछ अपन ने मिलीमीटर में रखा है तो अपना आंसर किस में आ जाएगा, mm³ में। तो ये आपको समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 का, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 110 mm³। अब 110 mm³ को आप चाहो तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अपन छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड 3 बार होगा क्योंकि मिलीमीटर क्यूब है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 110 × 10 × 10, 3 बार क्यों किया, क्योंकि मिलीमीटर क्यूब है। तो अब 3 बार डिवाइड कर दिया तो सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा, तो इसको मिटा देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी, ये कट जाएगा 0.11 cm³। अब इसी तरीके से अपन क्या फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ, ये तो अपन ने क्या फाइंड करा था, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो ये तो ये रेड वाला पोर्शन आ गया। अब अपन पूरी पेंसिल की एक बार वॉल्यूम निकाल लेते हैं और उसमें से ग्रेफाइट की माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि वुड, उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल रहा हूं मैं टोटल, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये भी सिलेंडर है। और इस बार रेडियस कितनी हो जाएगी, इस बार रेडियस हो जाएगी 7/2। अच्छा ये मैंने गलत मार्क कर रखा है, ये 7 मिलीमीटर यहां से लेके यहां तक का होगा पूरा, ये पूरा 7 मिलीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच से 22/7 × r कितना हो जाएगा, 7/2
इंटू 7/2 दो बार करेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है, और एच कितना है अपने पास 140 मिलीमीटर वापस से, तो ये आंसर किस में आएगा, मिलीमीटर क्यूब में आएगा। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 22 कट जाएगा 11 टाइम्स, और 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 70 टाइम्स, तो 77 × 70 mm³ आ जाएगा। और इसको अपन वापस 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर किस में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास 77 × 70/1000 अगर कर दिया तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 × 7 = 49, 9 की 4 कैरी 7 × 7 = 49, 539/100 यानी कि 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। पर अभी अपना आंसर नहीं आया क्योंकि ये जो वॉल्यूम है वो किसकी है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल की। अब वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से अगर अपन माइनस कर दें वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो किसकी वॉल्यूम बचेगी, तो जो बाकी का पार्ट बच रहा है यानी कि वुड का पार्ट बच रहा है, तो वो किसकी बचेगी, वॉल्यूम ऑफ वुड की बचेगी। तो यहां से अपने पास वॉल्यूम ऑफ वुड कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड विल बी, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितनी है 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितनी थी, तो वो थी 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, तो आंसर कितना आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अपन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो बोल रहा है कि एक हॉस्पिटल है जिसमें कि डेली पेशेंट्स को सूप सूप सर्व किया जाता है। अब वो जो सूप सर्व किया जाता है वो सिलेंड्रिकल बॉल में सर्व किया जाता है, जिसका कि डायमीटर कितना है, जिसका डायमीटर हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी दे रखी है, कहाँ तक फिल किया जाता है, 4 सेंटीमीटर की हाइट तक फिल किया जाता है। तो पूछ रहा है कि डेली अगर 250 पेशेंट्स को सेम वेसल में अगर सूप सर्व किया जाए तो कितना क्वांटिटी में उनको सूप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन एक पेशेंट के लिए निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से निकल जाएगा वो अपने पास, तो वो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर है जो होती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो कितनी हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डायमीटर 7 दे रखा है तो आर विल बी 7/2 × 7/2, दो बार क्यों करना पड़ा, क्योंकि आर का स्क्वायर है, और एच कितना हो गया 4, और ये किस में आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये सीधे सीधे 4 कट गया। ये 4 कट गया और ये 7 से 7 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 22 × 7 cm³, और 22 × 7 कितना हो जाएगा, तो 4 1 कैरी 4 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर ये एक पेशेंट के लिए, तो फॉर 250 पेशेंट कितना हो जाएगा, फॉर 250 पेशेंट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ सूप कितनी हो जाएगी, 154 × 250, तो वो कितना हो जाएगा, तो ये सॉल्व होके अपने पास आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अपन को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन को प्रिपेयर करना है तो लीटर में ही प्रिपेयर होगा, सेंटीमीटर क्यूब स्टैंडर्ड यूनिट एक तरीके से नहीं है सूप बनाने के लिए। तो हमको मालूम है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, और हमको एक और चीज मालूम है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 × 100 × 100 cm³, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में कितनी बार होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ गया 1000 × 1000 cm³। अब इस वाले को और इस वाले को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों किसके बराबर है, 1 मीटर क्यूब के बराबर है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 1000 × 1000 cm³ इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1000 से 1000 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक रिलेशन अपन ने इस्टेब्लिश कर दिया, इस तरीके से आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। तो अगर अपने पास इतना सेंटीमीटर क्यूब सूप है, तो
तो इसको अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे तो अपना कितना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अगर इसको 1000 कर देते हैं तो अपना पास आ जाएगा आंसर 38.5 लीटर्स। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 13.6 कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा 13.7 का। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि वहाँ पे अब कॉन्टेस्ट होने लग गए हैं, तो उन कॉन्टेस्ट में आपको पार्ट लेना है, तो जितनी भी अपडेट होगी वो उधर ही आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।